जग घूमया थारे जैसा ना कोई, जग घूमया। खाओ माँ कसम। तो क्या हाल है आप सबका? पता नहीं मैंने ये वीडियो क्यों बना दी, लेकिन बना दी भाई। तो बात ही ऐसी है भाई, दिल टूट गया मेरा। पता नहीं क्या ही बोलूँ मैं आप सबको। इस वीडियो के एंड में जो मैं बहुत ही तगड़े वाला जो मैसेज देने वाला हूँ जिन लोगों का बर्थडे आने वाला है। यस, दिस इज द बर्थडे वीडियो। क्योंकि भाई जुलाई का महीना जो होता है ना भाई, उसमें बहुत लोगों का बर्थडे आता है ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मेरा खुद का बर्थडे कल था और क्या ही भयंकर सिचुएशन आ गई थी। तो कुछ दोस्त ऐसे होते हैं ना कि भाई उनको सदियों सदियों तक जो है याद रखा जाता है, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है। हेलो भाई। अरे जय बोलना, क्या काम है भाई? वो मेरा बर्थडे था आज। अभी बर्थडे मेरा भाई, तुम जियो हजारों साल। भाई वो तो ठीक है, लेकिन तुम बाहर आ रहे हो? भाई बाहर नहीं आ सकता यार, मैं बहुत बुखार हूँ। मैं क्या बोलूँ, मेरे से खाया नहीं जा रहा भाई। कल टेस्ट कराया, कल मेरे को टीबी हो गया यार। दूसरी बार टेस्ट करा यार, ऐसा भी निकला भाई। लेकिन सब लोग आ रहे हैं, मैंने पिंकी को भी कॉल किया था। पिंकी? अरे भाई तो मेरे को पहले बोलना चाहिए, अब भी आ रहा हो, तू कहाँ मिले मेरे को वो बोल। अरे भाई बात तो पूरी सुन भाई, उसने बाद में मना कर दिया, उसको कहीं बाहर जाना था। हेलो 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 साले छपरी। तो जैसे कि मैंने कहा, कल मेरा बर्थडे था और बर्थडे के दिन जो मेरे दोस्त लोगों ने प्लान बनाया था कि आज जो है हम मिलेंगे और मस्ती करेंगे भाई, बाहर जाएंगे, खाएंगे पिएंगे। लेकिन भाई उनकी दोस्ती का मतलब सैल्यूट है भाई। वो लोग जो है 6-7 दिनों से प्लान बना रहे थे कि भाई हम लोग यहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जाएंगे। और कल क्या हुआ पता है? कल मैंने जब उन लोगों को फ़ोन किया, भाई कहाँ पे हो तुम लोग? एक बोल रहा है मेरे को बात बहुत, मैं मेरे को बहुत बुखार आया, मैं नहीं आ सकता। एक बोल रहा है मैं मेरे मौसी के घर पे हूँ। एक बोल रहा है भाई वो नहीं आ रहा तो मैं क्यों आऊँ, मतलब वो गटर में गिर रहा तो मैं क्यों ना गिरूँ। एक बोल रहा है भाई मैं तो यहाँ पे हुई नहीं भाई, मैं तो अलग की सिटी में पहुंच चुका हूँ। भाई मतलब क्या है यार, पता नहीं मैं ही पनौती वाला हूँ या सब लोगों के साथ ऐसा होता होगा। लेकिन बर्थडे के दिन एक दिन मतलब यार, दोस्त की बर्थडे है यार, प्लान मत किया करो ऐसे कैंसिल, दिल से बुरा लगता है किसी को। लेकिन नहीं, यहाँ पे जो सब लोग जो है सस्ते नशे करके पड़े। साले इतने हरामी दोस्त है मेरा, इतने हरामी दोस्त। इंस्टाग्राम में जब लोगों ने जो स्टोरी लगाई मेरी हैप्पी बर्थडे, तो मैंने जो उन लोगों को मेंशन भी किया। तो क्या हो रहा है ना कि कुछ लोग जो है आज के दिन, यस बर्थडे के एक दिन बाद विश कर रहे हैं भाई हैप्पी बर्थडे। भाई तू कल की स्टोरी देख रहा है, तू आज विश कर रहा है क्या भाई? सस्ते नशे करके बैठा है तू तो। 14 तारीख की बर्थडे को लोग 15 तारीख को विश करे भाई हैप्पी बर्थडे। एक तो बर्थडे अच्छा नहीं गया और ये लोग 15 तारीख को आके हैप्पी बर्थडे लिखते हैं। और हमारी महिला मित्रों की तो भाई बात ही कुछ और है। ये नहीं आ रही तो मैं नहीं आऊँगी, सब लोग आ रहे तो ही मैं आऊँगी। अरे भाई मत आओ यार, कौन बुला रहा है आपको? बात तो सही है। पता नहीं ऐसा क्यों लगता है मुझे कि भाई अगर तुमको कोई महिला मित्र जो है स्कूल के अंदर मिली थी तो यार उनकी दोस्ती जो स्कूल तक ही सीमित होती है, और अगर कॉलेज में मिली तो कॉलेज तक सीमित होती है। पर कुछ ऐसी होगी भाई, 1% ऐसी लड़की होगी जो कि आपको बहुत ही लंबे वक्त तक याद रखेगी। वैसे मैं बहुत ज़्यादा बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं बोलना भी नहीं चाहता क्योंकि मेरे को मैं अभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में हूँ। यस, क्या बोलूँ मैं आप सबको? तो इस वीडियो के माध्यम से मैं क्या बोलना चाहता हूँ बताए कि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखो ही मत। यस, कभी कभार जो है कुछ ज़्यादा भाव देने से या फिर एक्साइटमेंट में आगे हमको ऐसा लगने लगता है कि भाई ये लोग तो आएंगे, हमें बर्थडे विश करेंगे, हमारे घर पे आएंगे, हम लोग जो पार्टी करने जाएंगे, बाहर घूमेंगे, ऐस करेंगे, ये करेंगे, वे करेंगे। फिर ये होता है, हो जाती है बकचोदी। तो यार जिसका भी बर्थडे आ रहा है ना इस मंथ, भाई एक्सपेक्टेशन रखना ही मत। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस मंथ क्या हर किसी का बर्थडे आ रहा हो? एक्सपेक्टेशन रखो ही मत। और हाँ एक और बात भाई, मैं अपने दोस्तों के बारे में बात करो, आपके हो सकते हो काफ़ी बढ़िया दोस्त हो, आपकी दोस्ती भाई सदियों सदियों तक याद रखे लोग, लेकिन एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा कम रखना। फिर अभी इनको बोलेंगे हम तो फिर बोलेंगे भाई क्या है भाई, तू है कौन, तेरी औकात क्या है, तू अपने दोस्तों के ऐसा बोल कैसे सकता है भाई, टूट पड़ेंगे लोग। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो अगर आपको जो मेरी ये दर्द भरी वार्तालाप से कुछ सीखने को मिला तो यार लाइक कर देना यार, 1 like is equal to 1 birthday wish। यस, हैप्पी बर्थडे कह देना मेरे को कमेंट सेक्शन में। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर। और हाँ सब्सक्राइब भी कर देना यार। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? हाँ मैं कर क्या सकता हूँ, मैंने है ना फैसला किया है। करेक्ट फैसला किया, तू कुछ नहीं कर सकता।